और पूरी संवेदनशीलता के
मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में इस नगरीय निकाय के चुनाव में आरक्षण को 33 से बढ़ा के 50 कर दिया, क्योंकि देखने में यह आया कि 33% महिलाएं पहली बार तो आरक्षण से जीत के आई, पर दूसरी बार अनारक्षित सीट से भी वो जीत के आई, क्योंकि रोटेशन सीट होती थी तो उस रोटेशन की वजह से अगली बार उसकी सीट बदली, पर वो उसी सीट से पुलिस को हरा के भी जीत के आई क्योंकि उसने काम किया। तो जो विश्वास राजीव जी का इस देश की बेटी पे, इस देश की बहनों पे था, वो साकार होता दिखा और उसका नतीजा ये रहा कि 15 लाख से ज्यादा महिलाएं इस देश की आज अपना दायित्व निभा रही है राजनीति। बड़ी संघर्ष के बाद ये बिल फिर आया 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में, ये बिल राज्यसभा में तो पास हो गया, वो भी संघर्षों के बाद हुआ, राज्यसभा में पास हो गया और फिर आशा लगाया बैठे रहे कि लोकसभा में पास होगा, पर लोकसभा में पास नहीं हो पाया। 2014 का दौर आया जब बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए इस देश की महिलाओं को। अच्छे दिन का सपना था तो 15 लाख का भी सपना था, 2 करोड़ रोजगार का भी सपना था, बहुत सारे सपने थे। और उसी सपनों में से एक सपना था जो दिखाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मोदी जी द्वारा, कि आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमें दीजिए और हम महिला आरक्षण बिल को लागू करेंगे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने ये अपने मैनिफेस्टो में कहा। और जब ये बात आई, कांग्रेस तो सतत महिला आरक्षण के लिए लड़ी रही थी, जब 2014 के रिजल्ट आए, सरकार बनी, तो लगातार सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में कई बार सोनिया जी ने चिट्ठी भी लिखी प्रधानमंत्री जी को कि आपके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है और कांग्रेस अनकंडीशनली इसको सपोर्ट करेगी बिल को, तो आप इसे पास करें। पर 2014 से लेके 2019 में फिर वही बात आई, फिर वही जुमला रहा कि महिलाओं को फिर कहा गया कि आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी दीजिए, हम बिल पास करेंगे, महिला आरक्षण बिल। पर 2019 से भी 2023 के आगे आते आखिरी में 9.5 साल बाद ये बिल पास किया गया। पर जब बिल पास हुआ तो महिलाओं को लगा कि 2023 में 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से एक राज्य से मैं आती हूं, मध्य प्रदेश, और 2024 में लोकसभा के चुनाव है, तो महिलाएं बहुत खुश हुई कि अब हमें आरक्षण मिलेगा, अपना अधिकार मिलेगा। तो बड़े बड़े मुहावरे शब्दों में उसको अटका दिया गया, नारी शक्ति वर्धन अधिनियम। नारी को देवी का रूप मानेंगे पर समानता का अधिकार नहीं देंगे। बंधन तो हमने भारतीय जनता पार्टी का खूब देखा है, नारी के लिए हमने मणिपुर में भी देखा, हमने जनता दंता में भी, जो हमारी ओलंपियन बच्चियां जब लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी, तभी भी हमने देखा कि कितना बंधन करती नारियों का भारतीय जनता पार्टी। हमने कठुआ में भी देखा, तो हमने उन्नाव में भी देखा, तो उत्तराखंड में भी देखा, तमाम जगह हमने देखा कि महिलाओं का कितना बंधन भारतीय जनता पार्टी करती है। मध्य प्रदेश में भी, रेप कैपिटल है देश का, वहां भी आए हम देखते रहते हैं कितना बंधन करती है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके बंदे, उनके सहयोगी संगठन के, उनके रिश्तेदार, कोई भी अगर महिला अत्याचार में लिप्त होता है, तो बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको बचाने में लग जाते हैं और कहीं ना कहीं पीड़िता को और दुख देते हैं, उनके इंसाफ के रास्ते में घोड़ा हटाते हैं कि हमने बहुत अच्छे से। तो इसलिए इस तरह के लुभावने शब्दों शब्दावली करके अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी समझते हैं, सरकार समझती है कि इस देश की महिलाएं कहीं ना कहीं
गुमराह हो जाएंगी और सोचेंगी कि मणि की भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशील है महिलाओं को लेकर उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर, तो बड़ी गलत फॉर्म है। और आज भी का दौर जो चल रहा है, मैं समझती हूँ महिलाएं इतनी परेशान कभी नहीं हुई है। आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट उठा के देखिए, पिछले 50 साल में घरेलू बचत सबसे कम आज है। आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि 31 लाख लोगों का रोजगार गया है और उसमें से 26 लाख महिलाएं, और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात, तो महंगाई की मार पड़ रही है, बेरोजगारी की मार पड़ रही है, और यहां सरकार केवल जुमले देख के सोच रही है कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गुलामी हो जाएगी तो वो कर जाएगी। ये बिल उन्हें पास तो करा लिया, तो लागू कब होगा? ये क्या ये बिल 34 में लागू होगा कि 29 में लागू होगा? क्योंकि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर ये लागू होगा। ठीक है, तो महिलाओं को, देश की महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है कि आप जो अधिकार हमको अब तक मिल जाना चाहिए था, उस अधिकार कि आप तारीख भी बता रहे, आपने बिल में लिख दिया कि वो आप सेंसस होगा, आप क्यों नहीं लागू कर सकते थे 2024 में या 2023 की विधानसभा के चुनाव में? क्योंकि इससे ज्यादा तादाद में हमारे निचले स्तर में लोग चुनाव लड़ते हैं, स्थानीय निकाय हुए, और जब वहां लागू हो सकता है, वहां हमें 33 से 50% मिल सकता है, तो यहां तो आप 33% अभी लागू कर सकते थे, पर आपकी नियत साफ, आप केवल और केवल इसे एक इवेंट बना के छोड़ दिया आपने। महिला आरक्षण को भी काफी एक इवेंट बना के आपने छोड़ दिया, और ये तो विशेष सत्र की भी क्या जरूरत, आप रेगुलर सत्र में ही, आपके पास 2014 से लेके 2023 में हम खड़े, 9 साल, 9.5 साल का समय था, आप इसको विधेयक को कानून बना सकते थे, पर आपने, आपकी नियत साफ नहीं है इसलिए आपने इसे नहीं बनाया। और आप देखिए प्रहलाद पटेल एक मिनिस्टर है मध्य प्रदेश की, उन्होंने महिला आरक्षण टिप्पणी किया और उनको भी हटाना पड़ा। यह अपने आप में दिखाता है कि लोगों की मंशा साफ नहीं है। अब इस देश की महिलाओं का इंतजार और बढ़ गया और आगे आपने खसका दी पूरी, और बंधन की क्या बात है? महिलाओं का अधिकार है, आप कोई उनको तैयार नहीं करते, आप उन्हें कोई भीत नहीं देते, महिलाओं का हमारा अधिकार है, 50% आबादी का 100% का हम लेके रहेंगे अपना। तो कुल मिला के कहानी वही है कि फिर एक जुमला, फिर एक झुंझुना, और केवल और केवल इवेंट, अपनी बाबाई, अपनी पीठ थक सकाओ, पर इस देश की महिलाएं सब समझ रही हैं, और मैं समझती हूँ 2024 में करारा इनको सभी चीजों के लिए जवाब दी, जिसमें महिला आरक्षण बिल के साथ जुड़ने की खिलवाड़ किया है, इसका भी कड़ा जवाब दूंगी। और जिस तरह से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी हमारी बहनों को इसमें उनके लिए प्रावधान होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आज जब हम बात करते हैं जनगणना की, लगातार राहुल जी इस बात को कह रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं कि जातीय आर्थिक एवं सामाजिक जनगणना होनी चाहिए। 2011 में की जो रिपोर्ट है उसको अभी तक इन्होंने टेबल नहीं किया, और अब तक सेंसस कराया नहीं, उसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि 2021 में सेंसस होना था, अब कब वो होगा और क्यों नहीं हमारी ओबीसी बहनों को उनका अधिकार मिले, हमारे एससी एसटी बहनों को उनका अधिकार मिले, क्योंकि उनका भी उतना ही अधिकार है इस बिल पर जितना एक सामान्य महिला का अधिकार है। तो ये तमाम चीजों को लेकर हम मांग कर रहे हैं कि इसको जल्द लागू करें, अभी लागू करें, इसी को किसी बंधन में ना बांधे, और साथ ही हमारी ओबीसी बहनों का के लिए एससी एसटी के साथ इसमें आरक्षण हो, इस बात की हम मांग। थैंक यू, आप लोग प्रश्न क्योंकि
it is right. There is no doubt to put this in. Thank you. I would like to know that the post office would be so much. Thank you.